इंडिया अफगानिस्तान के अंदर डैम्स बना रहा है जिसकी वजह से पाकिस्तान का पानी को रोकने की तैयारी की जा रही है। इसके ऊपर हमारा वीडियो है, आप लोग सब जानते होंगे 18 सितंबर 2016 इस दिन उरी का अटैक हुआ था जिसमें इंडिया के 18 सोल्जर मारे गए थे। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अनाउंसमेंट किया कि ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर, और उसके बाद वहीं पे पीएम मोदी ने अनाउंस किया कि इंडिया J&K में 5 डैम बनाएगा $15 बिलियन से, और उनको फास्ट ट्रैक करके उनको क्लियर भी कर दिया और उनका जो काम है उसी टाइम शुरू भी करा दिया कुछ महीने के अंदर उसकी प्लानिंग करके, और उसकी वजह से इंडिया पाकिस्तान का पानी रोक पाएगा। अब इसके आगे हम बात करते हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है September 1996 में साइन हुई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू और फील्ड मार्शल अयूब खान के बीच में, कराची में इसका एग्रीमेंट हुआ था, और इसको कहा जाता है कि एक सबसे ज्यादा लिबरल ट्रीटी है जिसे इंडिया ने पाकिस्तान के फेवर में की है। इंडिया के पास कोई कंपल्शन नहीं थी क्योंकि जितनी ये रिवर्स हैं ये इंडिया से फ्लो करती हैं पाकिस्तान जाती हैं, उसके बावजूद भी इंडिया ने जो ट्रीटी साइन की वो एक ऐसी थी कि टोटली प्रो पाकिस्तान। इस एग्रीमेंट के अंदर यह था कि इंडस, झेलम और चेनाब जो वेस्टर्न रिवर्स है पाकिस्तान को जाएंगी, और रवि, ब्यास और सतलुज जो ईस्टर्न रिवर्स है वो इंडिया को मिलेंगी, और इसके अंदर 80% जो है पानी वो पाकिस्तान को जाएगा और 20% पानी इंडिया को मिलेगा। पाकिस्तान के पास जो मेन सोर्स ऑफ पानी है वो इन्हीं रिवर्स से जाता है, और अगर आज ये पानी इसका बंद हो जाए तो पाकिस्तान प्यासा मर जाएगा और पाकिस्तान की जनता एक हफ्ता नहीं जी पाएगी। लेकिन इंडिया का जो पर्पस वो है ये है क्योंकि इसमें से 80% पानी पाकिस्तान को जा रहा है, 20% पानी इंडिया को जा रहा है, हमारे 20% जो पानी है उसमें से भी जो पानी पाकिस्तान की तरफ चला जाता है काफी हिस्से का, और इंडिया का जो इनिशियल प्लान है वो इसी को रोकने का है। इसको रोकने के साथ हमारे पास कंट्री में जो हमारा प्रॉब्लम आ रही है, जो हमारे पास कश्मीर में प्रॉब्लम है, पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में और राजस्थान में, वो काफी हद तक दूर हो जाएंगी, और साथ साथ अगर पाकिस्तान अपनी टेररिस्ट एक्टिविटी से बाज नहीं आएगा तो इंडिया ये पानी को कभी रोकने की कोशिश कर सकता है। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब इंडिया के पास डैम्स होते हैं, उसके बगैर रोक नहीं सकता था। और किसी भी हमारी पार्टी ने, पॉलिटिकल पार्टी ने, किसी लीडर ने आज तक 70 साल के अंदर इस चीज का सोचा नहीं, इसके बारे में कोई एक्शन नहीं लिया, और ये एक बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। और मैं ये कहूंगा कि नेहरू का एक सबसे ज्यादा ब्लंडर था, आप सॉफ्ट होते गए, बहुत सॉफ्ट होते गए, हुआ क्या, वो और अग्रेसिव होते रहे। हमारे साथ गवर्नमेंटों के साथ यही रहा कि सारी गवर्नमेंटें हमारी पाकिस्तान के साथ सॉफ्ट होती रही, पाकिस्तान यहां अग्रेसिव होता रहा, सिवाय इंदिरा गांधी की, और इंदिरा गांधी के अब ये दूसरे लीडर आए हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जो पाकिस्तान को आड़े हाथों लेने को तैयार बैठे हैं। और इसके बाद आज हम बात करेंगे कि इंडिया पाकिस्तान को किस तरीके से सपोर्ट कर रहा है वहां 12 डैम्स बनाने की। वहां पे एक रिवर काबुल है जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान को टच करती है, और कभी पाकिस्तान से अफगानिस्तान जाती है, कभी पाकिस्तान की तरफ आती है, तो ये जो रिवर है इस पे इंडिया 12 डैम बनाने के लिए तैयारी कर रहा है। इंडिया ने इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार कर दी है, और इनके बनने से पाकिस्तान को 1177 मेगावाट बिजली मिलेगी, और उसके पास बहुत सा पानी होगा जो वो इरीगेशन के लिए और डेवलपमेंट के लिए यूज कर सकेगा, क्योंकि काबुल सिटी इसी टाइम भी लोग वहां पे तरस रहे हैं पानी को, वहां पानी की शॉर्टेज है, और पूरे अफगानिस्तान में तो इसकी बहुत शॉर्टेज है ही है। इसके अंदर 4.7 MAF मिलियन एकड़ फीट जो पानी है वो इन 12 डैम्स में स्टोर किया जाएगा, जिसमें से 2 मिलियन एकड़ फीट पानी जो है वो काम अपने स्टोर कर सकेगा अफगानिस्तान, और साथ में 2.5 मिलियन एकड़ पानी जो है वो रिवर काबुल से शिन के काम आ सकेगा प्लेन्स में और बाकी एरियाज के अंदर। अब 90% जो अफगानिस्तान का जो लैंड एरिया है 5 रिवर बेसिन में लोकेटेड है, उनसे वो वहीं से कवर होता है, उनके नाम है पंच, अमो दरिया रिवर बेसन, नॉर्दर्न रिवर बेसन, हरिरुट मुरकब बेसन, हेलमान रिवर बेसन और रिवर काबुल बेसन। इसमें से 4 हाइड्रो प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बन रहे हैं पंचशीर सब बेसन में, इनके नाम हैं टोटुमदार, बराक, पंचशीर और बागदारा। इसके साथ 4 और डैम्स बन रहे हैं लोगोर के अंदर, लोगोर अपर काबुल सब डिवीजन के अंदर, उसके है नाम है हेजाना, कजाब, तांगी वाडक और काट घाट प्रोजेक्ट, तो ये इनके हैं। साथ साथ उनका एक कर्मा डैम बन रहा है, तो काबुल से 13 किलोमीटर दूर है रिवर काबुल, वहां से होकर निकलती है, और इसके साथ जो है इसके डैम बनने से इनको अफगानिस्तान को 4.45 लाख एकड़ का फीट का पानी मिलेगा, और इरिगेट करेगा ये 28,740 एकड़ की लैंड को, और 45 मेगावाट ऑफ बिजली पैदा करेगा।
जिससे कि उस एरिया में जो पानी की प्रॉब्लम है या वहां पे मतलब इरिगेशन के लिए पानी है उसकी प्रॉब्लम है या बिजली की प्रॉब्लम वो दूर हो जाएगी। और ये जो है इसकी वजह से एक पाकिस्तान का वर्षा कनाल है जिसका पानी 10% के करीब कम हो जाएगा पानी, और ये 10% पानी कम होने से पाकिस्तान पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा एक सिर्फ इसी डैम से। लेकिन इसमें जो है पहले एशियन डेवलपमेंट बैंक इसमें सपोर्ट कर रहा था, और लेकिन अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक क्योंकि पाकिस्तान ने कंप्लेंट की है तो इसको एशियन डेवलपमेंट बैंक ने बैकआउट कर दिया है। और जितने भी ये 12 डैम है इसकी जो फाइनेंसिंग है वो एशियन डेवलपमेंट कर रहा है, बैंक कर रहा है, और उसने $7.079 बिलियन के इसके लिए सैंक्शन दी। अफगानिस्तान ने पहले ही कुछ काबुल की जो रिवर काबुल है उसमें कुछ डैम्स बना लिए हैं, जिसमें एक दरुंता डैम है, फिर सरोबी डैम है नागलू, और 21 दूसरे रिवर इरिगेशन हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं जिसके इन्होंने काम अपना पूरा हो चुका है और जिसकी वजह से पाकिस्तान को कुछ इफेक्ट पड़ा है। और उसके बाद एक मचालगो डैम है, मचालगो डैम है ये बनाना चाहते हैं एट ए कॉस्ट ऑफ $32 मिलियन पे रिवर खुर्रम पे ये बना रहे हैं अफगानिस्तान, जिसकी वजह से पक्टिया प्रोविंस जो है वहां पे पानी की कमी दूर हो जाएगी और वहां पे भी लोगों को खुशहाली मिलेगी। अभी अफगानिस्तान के अंदर मेन प्रॉब्लम यह है कि वहां पे डैम्स नहीं है, वहां पे पानी नहीं है, जिसकी वजह से लोग मिलिटेंसी की तरफ ज्यादा जा रहे हैं या भूखे मर रहे हैं। फिर उसके बाद अफगानिस्तान रिवर कुनार जो है एक ट्रिब्यूटरी है इंडस की, उस पर भी डैम बना रहा है। उसकी तरफ जो इस्लामाबाद जो दूसरी तरफ वो भी उसने भी थोड़ा डैम बनाना शुरू किया कि इस्लामाबाद वैसे बड़ा पीछे है डैम बनाने में, उसने बड़ा निगलेक्ट किया पाकिस्तान ने क्योंकि उसको खुलेआम इंडिया की तरफ से पानी मिल रहा था तो उसको डैम कभी बनाने की सोची नहीं, ना उनके अंदर एक विजन है, ना उनके अंदर एक कैपेबिलिटी है कुछ काम करने की। उनके अंदर एक काम जिसकी कैपेबिलिटी है वो है टेररिज्म, टेररिज्म की तरफ उनका पूरा ख्याल है, उनको सिर्फ दूसरे देशों को शांति से बैठने की नहीं देंगे, ये पाकिस्तान का मेन एक काम है। रिवर कुनार जो है उस पर 15,000 मिलियन क्यूबिक मीटर का पानी है वो पाकिस्तान से ओरिजिनेट होता है और पाकिस्तान भी इस पर डैम बनाने के रहा है, लेकिन वो उसने इस डैम बनाने से काबुल को नहीं पूछा या अफगानिस्तान को नहीं पूछा। अब एक और बात है कि अफगानिस्तान में और पाकिस्तान में पोजिशन कैसी है। अफगानिस्तान में तो पोजीशन बहुत खराब है पानी की, लेकिन जहां तक पाकिस्तान में है वहां की सिचुएशन सबसे खराब है, उनकी सिचुएशन और खराब होती जा रही है और ये आज की डेट में एक मोस्ट वाटर स्केयर्स कंट्री बना हुआ पाकिस्तान। और आज देखिए अगर वर्ल्ड के अंदर देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर जितना पानी आता है उसका 13% स्टोर करता है और बाकी पानी पाकिस्तान का समुद्र में चला जाता है। पाकिस्तान में कोई प्लानिंग नहीं है, पाकिस्तान के पास कोई एग्जीक्यूशन नहीं है। आज इंडिया ने 8,000 डैम बनाए हैं, ये काम शायद नेहरू ने स्टार्ट किया था डैम बनाने का इंडिया के अंदर, और जिसको हमारी मोदी गवर्नमेंट तक भी लगी हुई है बनाने में, और जिसकी वजह से हम पाकिस्तान अपनी इतनी बड़ी पॉपुलेशन को झेल पाते हैं, इतनी बड़ी पॉपुलेशन को पानी की वो दे पाते हैं, सप्लाई दे पाते हैं। अब इसके अंदर देखिए जो इंडिया के अंदर जो पानी की स्टोरेज की कैपेसिटी है वो 200 से 220 दिन की है, इजिप्ट में 1000 दिन की है और यूएसए में 900 दिन की है, और पाकिस्तान के अंदर जो स्टोरेज की कैपेसिटी है वो सिर्फ 30 दिन की है, 30 दिन तक पानी स्टोर कर सकता है। और जिस दिन काबुल रिवर से पानी कम हो गया और जिस दिन आकर के इंडिया के डैम्स बनने के बाद इंडिया ने पानी कर दिया तो पाकिस्तान के अंदर हाहाकार मचनी शुरू हो जाएगी। पंजाब प्रोविंस को छोड़कर के किसी प्रोविंस में पानी नहीं जाएगा, अभी भी पानी नहीं देते, लेकिन पंजाब प्रोविंस में भी इसका पानी कम पड़ेगा और इसके साथ एक पाकिस्तान को बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। और अगर ये काबुल रिवर का पानी जैसे रोकता है अफगानिस्तान अपने उसके यूज के लिए पानी यूज करता है जो उनकी राइट है, तो वहां का जो फाटा एरिया है उसमें बड़ा असर पड़ेगा और यहां पे सिविल वॉर लाइक सिचुएशन बन जाएगी। और सिमिलरली जो हमारे दूसरे भी डैम शुरू होंगे खत्म होंगे तो पाकिस्तान के अंदर सिचुएशन इतनी खराब हो जाएगी संभलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, संभाल नहीं पाएंगे। लेकिन आप देखने की जो इनके पीछे चीफ जस्टिस से उन्होंने डैम बनाने के लिए पैसे इकट्ठे करने शुरू किए, कभी कुछ ये किया, शायद वो पॉलिटिक्स में आना चाहते थे लेकिन हुआ कुछ नहीं, किसी ना पाकिस्तानी ने बाहर से सपोर्ट की ना इन्होंने अंदर से कुछ कर पाए, ना कोई विजन था, ना इमरान खान के बस का कुछ है, ना इनकी आर्मी के विजन है। तो उसके बाद जो है अब वो ये भी नहीं पता चीफ जस्टिस कहां है, हो सकता है कुछ ज्यादा अग्रेसिव हो रहे हो तो आर्मी ने ठोक दिया हो कहीं पे अंदर के। तो लेकिन दूसरी तरफ हमारा जो मेन इश्यू है पाकिस्तान जो मर्जी करे लेकिन इंडिया पाकिस्तान के साथ वाटर वॉर्स की तैयारी कर चुका है। और इसके साथ ये भी है कि अब हम जब 5 हमारे डैम बनेंगे हम इसके अगले इशू में डिस्कस करेंगे कि उन डैम्स का पाकिस्तान पे क्या इफेक्ट होगा। कुछ लोग कहते हैं कि अगर इंडिया पाकिस्तान पे करेगा तो चाइना इंडिया पे करेगा, अब चाइना किसी के लिए नहीं करेगा, चाइना जो करेगा अपने लिए करेगा। उसने जांगमो डैम बनाया ब्रह्मपुत्र रिवर पे और उसका पानी जब उसका दिल करता है रोक देता है, लेकिन उसका क्या इम्पैक्ट होगा उसके आगे हम अलग से बात करेंगे। और दूसरी तरफ
ये जो इंडस रिवर है ये चाइना से भी ओरिजिनेट होती है। अगर चाइना रोक करेगा तो हम पाकिस्तान का पानी ऑटोमेटिकली रोक देंगे, तो उसमें हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम अपने तरीके से जैसे काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इंडिया अपनी अच्छी पोजीशन में रहेगा। लेकिन हाँ, पाकिस्तान जो है वो हर एक हालत में मार खाएगा, या तो पाकिस्तान अपने टेररिज्म छोड़ दे, नहीं तो पाकिस्तान को अच्छा भुगतना पड़ेगा।